स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का योगदान मऊ विस्मृत नहीं कर सकता। एक और इन प्रगतिशील सोच के महापुरुषों का योगदान इस जनपद को आगे बढ़ाने के लिए रहा, लेकिन बीच के कालखंड में जिस जनपद की सोच साहित्यकारों से थी, क्रांतिकारियों से थी, विकास की प्रगतिशील सोच के साथ एक राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाली जो धरती थी, बीच के कालखंड में बुआ और बबुआ की पार्टी ने, सपा और बसपा ने इस क्रांति की भूमि को कर्फ्यू में बदलने का काम किया था। युवाओं के हाथों में कलम की बजाय उन्हें दंगा बना करके, दंगाई बना करके अराजकता पैदा करने का एक लाइसेंस इनके द्वारा बांटा गया था। और देखते ही देखते मऊ जैसा प्रगतिशील जनपद अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। आज भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है किसी माटी के सपूत उत्तर प्रदेश सरकार के दो बड़े मंत्रालयों का दायित्व तो संभाल रहे श्री के शर्मा जी इसी धरती के सपूत हैं और यहां के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आप सबके सामने स्थिति बहुत स्पष्ट है। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हीलचेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, तो जो कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हीलचेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये चुनाव हम जानते हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की सेहत पे असर नहीं पड़ता, लेकिन जनता की सेहत के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। जनता की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। डबल इंजन सरकार जो पैसा विकास के लिए दे, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए दे, उस पैसे का उपयोग सही ढंग से हो सके, इसके लिए उस प्रकार का बोर्ड बने। और सौभाग्य से नगर विकास के मंत्री तो एके शर्मा जी है, यहाँ के विकास के लिए पैसे की कहां कमी आने वाली है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? कानून व्यवस्था ठेंगे में थी, हमारे नगर बहन और बेटियों के लिए आतंक का माहौल था, सौदों का आतंक था, नगरीय क्षेत्र में गंदगी का ढेर दिखता था। और भाइयों बहनों, युवाओं के हाथों में तमंचे पकड़ा करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई किसी व्यापारी से रंगदारी वसूली कर पाएगा? आज वसूली हो पाएगी? आज क्या कोई गुंडा और माफिया सीना चौड़ा करके सड़क पर निकल सकता है क्या? लेकिन भाइयों बहनों, 17 के पहले तो ये निकलते थे, तमंचा लहरा करके निकलते थे कि नहीं निकलते थे?
लेकिन आज तो नहीं ये दृश्य देखने को मिलता होगा ना। और यही कहने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, आज हमारे शहर सौदों के आतंक नहीं बल्कि सेफ सिटी के रूप में जाने जा रहे हैं, सुरक्षित शहर के रूप में जाने जा रहे हैं। आज हमारे शहर कूड़े के ढेर नहीं स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं टैबलेट है, टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में टैबलेट देने का कार्य कर रही है। अपने युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके जो 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आने जा रहा है, भाइयों बहनों इस निवेश से 1 करोड़ नौकरियां आएंगी। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के लिए ट्रेनिंग का ये माध्यम है टैबलेट, उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का और फिर उसकी प्रतिभा को इसी राज्य और देश के विकास में लगाने के लिए एक अभियान राज्य सरकार चला रही है।